अगस्त का महीना चल रहा है, बाज़ारों में बच्चे और बाद बड़े भी देखने में नज़र आते हैं कि बाजे, बहुत बड़े बड़े बाजे बाज़ारों में आ गए हैं, तो वो ख़रीदते हैं और उन्हें बेचते हैं। इसी तरह 14 अगस्त बिल्कुल करीब है, इसमें खुशी के मौके पर भी बैंड बाजे, ढोल और बड़े बड़े बाजे लोग अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और बाज़ारों में बजाते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसा करना शरण कैसा है? मुरवजा अंदाज में बजाए जाने वाले बैंड बाजे ढोल वगैरह, खावो जुलूस के साथ हों, खुशी का इजहार करते हुए, या गैर जुलूस में हों, यानी घरों में, घरों की छतों पर चढ़कर, या बाज़ारों में, गलियों में, चौराहों पर, चुरंगियों पर, कहीं भी ऐसा किया जाए, ये हर जगह बजाना नाजायज़ और गुनाह है। और बतौर ख़ास उस सूरत में कि जब लोगों को तकलीफ़ भी होती है, यानी वैसे भी नाजायज़ है, और ये इसकी नाजायज़ होने में शिद्दत और बढ़ जाती है कि जब इससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, बीमार लोग हैं, उनके पास बाजा बजाया जाए, लोग काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं, किताबें खोल के बैठे हुए हैं, दीन के तालिबे इल्म हैं, या नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, घरों में नमाज पढ़ने वाले, घरों में बीमार हैं, बाद बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बाद लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, वहाँ पर वो एक मरीज़ के शक्ल में अपने बेड पर लेटे हुए हैं, उनकी ट्रीटमेंट जारी है, और ये शख्स बाजा लेकर उसको बजाता है, तो ये लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब है। याद रखिए, किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाना, इज़ा देना, ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा दी है। और याद रखिए, ऐसे लोग के जो अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देते हैं, उनके लिए कुरान ने एक वईद भी बयान फरमाई, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया में भी और आखरत में भी उन पर अल्लाह की लानत है, वअअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और दर्दनाक अजाब अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए तैयार किया है। और तकलीफ़ का जो सामान है ये बहुत ज़्यादा है इस सूरत के अंदर। तो लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों वाले काम करने चाहिए। ये खुशी का मौका है, इस खुशी के मौका पर जब भी 14 अगस्त आ जाती है, ज़िंदगी में मिल जाए, कुरान की तिलावत कीजिए, नवाफिल पढ़ें, जिक्र अस्कार करें, सना खाने करें, और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करें। वो अफवाज मुस्लिमीन, वो हमारे मुसलमान भाई कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश करके ये मुल्क हासिल किया है, चाहिए कि उनके लिए दुआएं की जाएं, उनको इस साल सवाब किया जाए, और मज़ीद खुशहाली और तरक्की के लिए अल्लाह तबारक व ताला से दुआ की जाए, ना ये कि अपने ही मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ दी जाए और ऐसे काम किए जाएं कि जिसे शरीयत मुतहरा ने नाजायज़ कहा है। हम मुसलमान हैं, हमें हर उस काम से बचना है कि जिसे शरीयत ने मना किया है, और जिसकी इजाज़त दी है उसके लिए हमें हर वक्त हाजिर रहना चाहिए।